अब से आपको शेयर्स के प्रॉफिट पे लॉन्ग टर्म में कोई टैक्स नहीं भरना। हाउ इट साउंड्स? इंटरेस्टिंग राइट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन शेयर्स पे एप्लीकेबल होता है जो आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किए हुए हों और एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो। तो अगर आप शेयर्स को 12 महीने से पहले ही बेच देते हैं तो उन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि होता है 15% ऑफ टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट इस लाइन में भी एक कैच है। क्या हो अगर आप शेयर्स 1 लाख के प्रॉफिट होने से पहले ही बेच दो? तो 0 टैक्स। बट हो सकता है कि आप उन शेयर से 10 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस केस में शेयर्स को वापस खरीद लो। आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपने 10 लाख के शेयर्स खरीदे हुए हैं जिनका करंट प्रॉफिट 90,000 है, तो इस केस में शेयर्स को बेच के वापस खरीद लो। इस केस में आपका प्रॉफिट सिर्फ 90,000 है जो वैसे भी नॉन टैक्सेबल है, और क्योंकि आपने शेयर्स वापस खरीद लिए तो पोटेंशियल गेन्स भी मिस नहीं होंगे। लेकिन याद रहे, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने शेयर्स को 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड किया हुआ है ना मस्त? तो आज ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चॉइस को सब्सक्राइब करें।